बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी कुछ देर पहले मेरे इल्म में आया है कि आज मेरे छोटे भाई ने नेशनल मीडिया चैनल पे इंटरव्यू दिया है और उसमें गुफ्तगू की है कि मेरे बारे में और मुहिउद्दीन खान के बारे में कि हम लोग शायद पीपल्स पार्टी से रबते में हैं और पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। मैं इस बयान की शदीद मजम्मत करता हूं और इसकी तरदीद करता हूं, सख्त तरीन अल्फाज में इसकी तरदीद करता हूं। पिछले 2 महीने से मेरा अपने छोटे भाई के साथ कोई राबता नहीं है और ना हमने किसी स्टेज के ऊपर यह ख्वाहिश जाहिर की है कि हम पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे हैं। हम मुझे तकरीबन 9.5 साल हो गए कि मैं पीटीआई में खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहूंगा। मैं अपने इलाके के, हलके के, डिस्ट्रिक्ट के तमाम वर्कर्स और वोटर्स को दोबारा ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि हम जिस जमात में खड़े हैं हम उस जमात के साथ साबित कदम खड़े हैं और हमारा छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं। मेरे पास एक जवाब था 2018 में जब इलेक्शन हुआ है, उसके इलेक्शन के बाद हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उनको जमात में शामिल किया गया था और मैं उस वक्त कहता रह गया था कि ये धोखा देंगे, जो कि उन्होंने धोखा दिया। मेरे पास उस वक्त जवाब था कि मैं अगर चाहता तो मैं जमात को छोड़ सकता था, लेकिन इस वक्त हम खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आप लोग हिम्मत करें, हौसला ना हारें। ये वक्त है, ये पाकिस्तान की सियासत में हर जमात पे आता रहता है, ये वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम सारे इस वक्त से सुरखुरू होकर निकलेंगे। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।